बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्लेवर्स किचन आज आपके लिए लाया है पोटैटो चीज़ बॉल्स की रेसिपी। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब चलते हैं चीज़ बॉल्स की तरफ। सबसे पहले हमें चीज़ बॉल्स बनाने के लिए आलू चाहिए। 750 ग्राम मैंने आलू लिए हैं यहाँ पर, इनको बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इनको अच्छे से मैश कर लेना है। तो ये मैश हो चुके हैं, अब हम इनमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले 2 टीस्पून ब्लैक पेपर। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, मैं यहाँ पे 2 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। अजवाइन 1/4 टीस्पून, 3 पिंच ज़ीरा पाउडर। तो ये सब चीज़ें डाल देंगे। डालने के बाद इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम बॉल्स की स्टफिंग के लिए चीज़ कट कर लेंगे। चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, इनको स्मॉल क्यूब्स में कट कर लेना है या आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। धनिया, इसको भी फाइन चॉप करना है हमने। पुदीना, ये भी फाइन चॉप कर लेंगे। 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी फाइन चॉप कर लेंगे। तो ये फाइन चॉप हो चुकी हैं। तो अब बॉल्स को तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मिक्सचर चाहिए हमें पोटैटो का। चीज़, चेडर चीज़ ली है, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इनके साथ अगर मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना फाइन चॉप, फाइन चॉप हरी मिर्चें, फाइन चॉप धनिया। तो अब स्मॉल पोर्शन लेंगे मिक्सचर में से। सबसे पहले चेडर चीज़ डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से इनको बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद बॉल्स की शेप दे देंगे। तो ये तैयार हो चुकी है। इसी तरह आपने सब बॉल्स बना लेनी है। तो सब बॉल्स बन चुकी हैं। अब चलते हैं इसकी क्रमिंग के लिए। क्रमिंग के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा, अंडा, ब्रेड क्रम्स। तो स्टार्ट करते हैं बॉल को। सबसे पहले मैदे में कोट कर लेंगे अच्छे से, अंडे में डिप कर लेंगे। डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छे से इनकी क्रमिंग कर लेनी है। तो ये क्रमिंग हो चुकी है। अब सेकंड टाइम अगेन हमने इसको अंडे में डिप करना है। डिप करने के बाद क्रमिंग कर लेंगे। तो इसी तरह आपने सारी बॉल्स को रेडी कर लेना है। तो सब बॉल्स की क्रमिंग अच्छे से हो चुकी है। अब चलते हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। मैं सबसे पहले शैलो फ्राई कर रही हूँ, 1 से 2 मिनट लगेंगे इनको कलर, जब हमने कलर चेंज करना है और लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। तो ये देख सकते हैं ये फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक प्लेट में इनको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद रैपिंग शीट की मदद से कवर करके फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए आप इनको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको डीप फ्राई करके भी दिखा देती हूँ इसकी फाइनल लुक। 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। तो मज़ेदार चीज़ बॉल फ्राई हो चुकी हैं। इसी तरह हमने सारी फ्राई कर लेनी है। फ्राई करने के बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब भी आप ट्राई करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और इनकेस आपको कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।